नमस्कार, आप देख रहे हैं NavBharatTimes.com। मैं हूं शैलेश शुक्ला। बिहार की राजनीति में एक नए सितारे का उदय हुआ है। इस सितारे को बिहार की मिस्ट्री गर्ल भी कहा जा रहा है। इस मिस्ट्री गर्ल का नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के अखबारों में विज्ञापन देकर के ऐलान किया है कि वह इस साल के लास्ट में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देंगी। आइए जानते हैं कौन है ये पुष्पम प्रिया चौधरी और क्यों इतना चर्चा में है। पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा की रहने वाली हैं। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने दरभंगा से की, इसके बाद वो पुणे चली गई। पुणे में उन्होंने सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, फिर वो हायर एजुकेशन के लिए लंदन चली गई। लंदन से उन्होंने लोक प्रशासन में पढ़ाई की, फिर अब वो बिहार लौटी हैं। बिहार में पिछले करीब 6 महीनों से वो घर घर जा करके लोगों से मिल रही हैं, उनकी समस्याओं को समझ रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार पर लगातार हमले कर रही है। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को टक्कर देंगे। नीतीश कुमार और पुष्पम प्रिया का एक गहरा नाता भी है। नीतीश की पार्टी के सदस्य विनोद चौधरी की बेटी हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। विनोद चौधरी दरभंगा से जेडीयू के नेता हैं और इस बार टिकट नहीं मिलने से काफ़ी नाराज बताया जा रहा है। जब विनोद चौधरी से ये पूछा गया कि क्या वो अपनी बेटी के नई पार्टी का समर्थन करेंगे, तो विनोद चौधरी ने कहा, मेरी बेटी वयस्क है और वह कोई भी फैसले लेने के लिए समर्थ है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी पार्टी का नाम प्लूरस रखा है। प्लूरस पार्टी का नारा है कि जनगण सबका शासन। पार्टी की कोशिश है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पार्टी से जोड़ा जाए और नीतीश कुमार, बीजेपी और आरजेडी के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाया जाए। इनका वादा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो 2025 तक बिहार को एक विकसित राज्य बना देंगी। इन्होंने वादा के ये भी किया है कि अगर दोबारा वो सत्ता में आती हैं तो बिहार को एक यूरोपीय कंट्री के बराबर विकसित कर देंगे। प्रियम ने अपनी एक हेल्पलाइन जारी की है और लोगों से अपील की है कि वो हमारी पार्टी से जुड़ें और बिहार में बदलाव लाने में उनकी मदद करें। प्रियम की एंट्री ऐसे समय में बिहार की राजनीति में हो रही है जब प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरने के लिए प्रयासरत हैं और उधर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। आने वाले चुनाव में बिहार के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे में युवाओं का चुनाव में क्या असर होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।